तो गाइस भाई, अज्जू भाई की हीरोइन जिंदगी में सजा खत्म हो गई, बट वो क्यों नहीं आए थे मेन स्ट्रीम में। जैसे ही आप लोग को याद होगा कि अज्जू भाई उज्जवल भाई और चपाती भाई बात ही कर रहे थे कि अज्जू भाई की सजा खत्म हो गई है मेन स्ट्रीम में, बट उनकी 7 ईयर्स हो गए सजा के, तो अज्जू भाई क्यों नहीं है भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल अज्जू भाई कभी भी आ सकते हैं SMP में, जो की भाई बहुत बुरी बात है उज्जवल भाई और पीठ बैग ली, क्योंकि अज्जू भाई को भी पता है बेबी का सीक्रेट क्या है। आपने मेरी वाली वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लेना। दूसरी बात भाई, अज्जू भैया यार अपना कैसल छोड़ क्यों आएंगे भाई, जिस बंदे ने इतने बड़े बड़े कैसल बना दिए, मतलब हीरो पॉइंट थे की बिल्डर गए वहाँ 100 गुना अच्छे कैसल उन्होंने बना दिए, और भाई क्या ही बनाया उनने। आपने अगर उनकी वीडियो नहीं देखी जाके देख लेना भाई, कितने खतरनाक खतरनाक कैसल बना दिए उस बंदे ने। तो कहते वो वापस क्यों आएगा हीरो पॉइंट में, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात है भाई। और अगर कभी भी अज्जू भाई वापस आएंगे हीरो पॉइंट में, उनका भी चांस हुआ उनका आने का, तो वो अपनी ओरिजिनल डिस्क को ही लेकर आएंगे, जो कि गाइस उज्जवल भाई फ्रीड भाई ने हटा दी थी ताकि अज्जू भाई केस ना जीते। गाइस भाई उस डिस्क में ना उन लोग की बातें थी कि उज्जवल भाई और फ्रीड भाई की, वो लोग उस बेबी के बारे में क्या बात कर रहे थे, जो कि अज्जू भाई ने रिकॉर्ड कर ली थी और जज को दे दी थी, बट जो भाई लोग ने उसको हटा के उस डिस्क को चेंज कर दिया ताकि अज्जू भाई ना जीते केस। तो गाइस भाई आज की वीडियो लेते हैं मैं आपसे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।